लड़की गुब्बारों के साथ कूद रही है। लेकिन गुब्बारे उड़ गए और अटक गए। लड़की परेशान हो गई। उसकी माँ पास ही थी। उसने अपनी छोटी बच्ची को रोते हुए सुना। रो मत, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। ओ माँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लड़की गुब्बारे को पकड़े हुए कार चला रही है। कितना मजा! लेकिन गुब्बारा फूट गया और उसने ऊंची उड़ान भरी। लड़की फिर परेशान हो गई। लेकिन उसके पिता पास ही थे। उन्होंने अपनी छोटी को रोते हुए सुना। उसने दौड़कर गुब्बारे को पकड़ लिया। ये तुम हो मेरी बेटी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ डैड। लड़की अपने गुब्बारों के साथ स्लाइड पर कूद रही है। गुब्बारे फिर से उड़ गए। लड़की रोने लगी। उसके माता पिता पास ही में गुब्बारे फुला रहे थे। उन्होंने लड़की के रोने की आवाज सुनी। उसे पास बुलाया, उसे गले लगाया और चूमा। अब वे सभी माँ पिता और उनकी लड़की गुब्बारे फुला रहे हैं और उनके साथ खेल रहे हैं। वे सब एक साथ समय बिता रहे हैं। गुब्बारे के साथ खेल रहे थे पिता, माँ और लड़की। मुझे एक आइडिया आई। क्या? लुका छुपी खेलते हैं। ओके। ये आपके लिए है। थैंक यू। ये मेरे लिए है। सब लोग छिप जाओ। एक दो तीन चार पाँच, मैं आ रही हूँ। एलिस, मैं यहाँ हूँ। एक कुत्ता, एक अच्छा लड़का। मैं यहाँ हूँ। ओह, क्षमा करे। एलिस, मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगी।
सुंदर है। मुझे यकीन है कि मैं एक मिनट में 100 गुब्बारे फुला सकती हूँ। पकड़ो। नहीं, तुम नहीं कर सकती। हाँ, मैं कर सकती हूँ। और मैं एक मिनट में 200 गुब्बारे फुला सकती हूँ। और मैं 100 कर सकती हूँ, 100 करोड़। मुझे यकीन है आप नहीं कर सकती। करती हूँ। नहीं कर सकती। कर सकती हूँ। मुझे यकीन है कि एक मिनट में मैं 100 गुब्बारे फुला सकता हूँ। नहीं, आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। चलो पता करते हैं। ये मेरा पसंदीदा रंग है। मैं नीला लूंगी, ये मेरा पसंदीदा रंग है। ठीक है, घड़ी शुरू करो। मैं हरा लेता हूँ क्योंकि ये मेरा पसंदीदा रंग है। गो 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 निकोल निकोल गो 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 गो। गो एलिसा, एलिसा गो, एलिसा रेड 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 गो 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 रेड गो रेड गो 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 गो। तुम नहीं कर सकते। इस एक के साथ मैं जरूर करूंगा। एक नारंगी जैसा दिखता है। नारंगी? अच्छा। तुम्हारा गुब्बारा बर्फ के गोले जैसा दिखता है। और अब मैं जामुनी रंग लूंगा, ये बैंगन की तरह दिखता है। और अब हम उन्हें फोड़ते हैं। वाओ। छोटी लड़की बड़ी सी बाउंसी स्लाइड पर खेल रही है। उसे बहुरंगी गुब्बारे मिलते हैं। ये लाल रंग का गुब्बारा है। वाओ, गुब्बारा नीचे जा रहा है। कूल, हम इस तरह से रंग सीखेंगे। ये नीला गुब्बारा है डॉट्स के साथ। अच्छा किया छोटी ने। वाओ, गुब्बारा नीचे जा रहा है। उसे अब कौन सा रंग मिलने वाला है? नारंगी। डॉट्स के साथ नारंगी गुब्बारा। ये भी नीचे जा रहा है। अब हमारे पास कौन सा रंग होगा? बेशक, ये पीला है। एक बड़ा पीला गुब्बारा। वाओ, ये दूसरे गुब्बारों की तरफ जा रहा है। अब हमें कौन सा रंग मिलेगा? एक बैंगनी गुब्बारा। कितना मजेदार है वो। ये भी डॉट्स के साथ है।
वाओ, ये स्लाइड से नीचे चला जाता है। अब उसके पीठ के पीछे कौन सा रंग है? गुलाबी। एक सुंदर गुलाबी गुब्बारा। लड़की अपने गुब्बारे के साथ नीचे स्लाइड करती है। एक, दो और बहुत सारे। बैंगनी, पीला और हरा। नारंगी, लाल। एक बड़ी स्लाइड पर गुब्बारे के साथ खेलना कितना मजेदार है। वाह, कितना बढ़िया। ओह, फुटबॉल रंगीन गुब्बारों के साथ। ये फट गया। कितना मजा किया। बूम, नारंगी फट गया। अब गुलाबी का समय आ गया। रुको रुको, नीला, लाल। वाओ, ये गुब्बारे फोड़ना बहुत मजेदार है। ये एक कॉस्ट्यूम परेड है। पहली वेशभूषा डैडी समुद्री डाकू और बेटी समुद्री डाकू की है। अगली पोशाक एक ड्राइवर की है। वो कितना बहादुर है। और ये एक पुलिस अधिकारी है जो नियम तोड़ने पर ड्राइवर को दंडित करेगा। ओह, कार जल रही है। जल्दी एक फायर फाइटर को बुलाओ। खैर, आग बुझा दी गई है। ये मेरी पॉपिंस है। कितनी सुंदर पोशाक है। सफेद पोशाक, राजकुमारी की तरह। एलियन, एलियन की पोशाक। कितनी बड़ी, कितनी हरी। मिनी माउस आ रही है। मिनी माउस कुक है। इसके बाद डैडी कुक और बेबी कुक आता है। ओह, वे बहुत फनी है। वेशभूषा उन्हें बैठ जाती है। अब रसोइयों का बड़ा परिवार, पिता और उनकी बेटियां। अगली पोशाक एक चिकन की है। एक बड़ा पीला चिकन। वो डर गया, लेकिन उसे किसने डराया? एक भेड़िये ने। बेशक, एक भेड़िया, भूखा भेड़िया, बड़ा बुरा भेड़िया, लेकिन वो भी डर गया। मास्क वाला सुपर हीरो। एक हरी छिपकली। बड़ा गुलाबी सुअर रनवे में प्रवेश करता है। सुअर के साथ ये क्या हुआ? सुअर खांस रहा है। डॉक्टर आ गए। वो उसकी छाती को चेक करते हैं। जादुई इंजेक्शन बनाते हैं। कॉस्ट्यूम इतनी मजेदार है। ओह, पूरा सर्कस आ गया है। जोकर पिता अपनी जोकर बेटी के साथ। वे कितने मजा किया है। अब लंबे रंगीन बालों के साथ एक और जोकर है। और बच्चे के बाल भी घुंघराले हैं। एलिस ने घर की सफाई की है। अब वो पॉपकॉर्न खाती हुई अपनी पसंदीदा पुस्तक पढ़ रही है। पढ़ना और खाना। वो अचानक पॉपकॉर्न को उछलती है। ओ, सब खत्म हो गया। उसे साफ करने की जरूरत है। एलिस वैक्यूम क्लीनर लेती है और फर्श को साफ करती है। एलिस को स्वच्छता पसंद है। वो हर जगह साफ करती है। अब घर में अच्छे माहौल का फैलाव है। एलिस खुश है। वो खुश है और वो सोफे पर बैठ जाती है। वो पसंदीदा टट्टू के बारे में किताब पढ़ती है। उसकी बड़ी बहन घर आती है। वो अपना बैकपैक फेंकती है और सब कुछ बाहर हो जाता है।
वो चलती है, उसके पैर गंदे हैं, इसलिए फर्श गंदी होती है। जब एलिस देखती है तो उसे गुस्सा आता है। अब एलिस को ये सब फिर से साफ करना होगा। वो सेब कोर में फेंक देती है, वो बैकपैक पैक करती है और फर्श को साफ करती है। वो एक मॉप लेती है और वो फर्श धोती है, फर्श और स्टेप्स धोती है। एलिस इतनी अच्छी लड़की है, सफाई उसे पसंद है। वो थकी हुई है। एलिस ने एक कप चाय पीने और कार्टून देखने का फैसला किया, लेकिन उसका पिल्ला मैक्स ऊपर आता है और उसका ध्यान चाहता है। वो उससे कहती है, चले जाओ चले जाओ। तो मैक्स चला जाता है। वो एक पिल्ला है और सभी पिल्ले खेलना पसंद करते हैं। वो एक शौचालय में प्रवेश करता है और टॉयलेट पेपर रोल खींचता है। बहुत सारे कागज, वो सब यहाँ वहाँ बिखरता है। फिर वो दूसरे कमरे में जाता है, वहाँ एक ब्लू रोल पाता है और वो ये भी बिखेरता है। इस बीच एलिस चाय पी रही है, उसे पता ही नहीं कि क्या चल रहा है। मैक्स ऊपर चला जाता है, उसे वहाँ एक पीला रोल मिलता है और वो उसे नीचे फेंकता है। सभी रोल अब बिखर गए हैं। सारा घर टॉयलेट पेपर से ढका हुआ है। ये सब बहुरंगी है, ये क्रिसमस की सजावट की तरह दिखता है। एलिस फैन शुरू करती है और ये क्या, वो गंदगी देखती है। एलिस मैक्स को फटकार लगाती है। नो 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 मैक्स। वो एक मॉप लेती है और वो एक झाड़ू लेती है और वो मैक्स को दंडित करने का फैसला करती है। मैक्स स्वाभाविक रूप से भयभीत हो जाता है और सोफे के नीचे छिप जाता है। एलिस मुझे यहाँ नहीं ढूंढेगी। एलिस मैक्स को नहीं ढूंढ सकती है, लेकिन वो जानती है कि उसे फिर से पूरा घर साफ करना होगा। फर्श, कुर्सियाँ, सोफा और सीढ़ियों से उसने कागज उठाए। इतना कागज बाल्टी भर है। अब घर फिर से साफ है। एलिस को फिंगर पेंट से ड्रॉ करना पसंद है। वो पेंट तैयार करती है और खींचने के लिए बैठती है, लेकिन केटली उबल रही है। एलिस दौड़ती है। इसी बीच उसकी छोटी बहन भी पेंट करने का फैसला करती है। वो भी फिंगर पेंट से प्यार करती है। क्या शरारती लड़की है। ओहो, देखो उसने क्या किया, उसने फर्श को चित्रित किया। वो सब गंदा है। एलिस इवा के हाथों को धोती है, वो फर्श धोती है। दिन भर काम करके वो कितनी थकी हुई है। एलिस देखती है अपने हाथ गंदे हैं। वो उन्हें धोने के लिए बाथरूम में चली जाती है। वो नल खोलती है, कुछ साबुन पाती है और हाथ धोती है। अब वे साफ है, लेकिन एलिस बहुत थक गई है। वो पानी रोकना भूल जाती है। ओ ओ, क्या हुआ। इस बीच एलिस आराम करने का फैसला करती है। वो लेट गई और सो गई। पानी अभी भी बह रहा है और बहता जा रहा है। फर्श पर इतना सारा पानी। उसकी माँ घर आती है। एलिस आराम कर रही है। उसके सिर को थपथपाती है, लेकिन तभी उसे एक शोर सुनाई देता है। माँ को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा। हम सब बह गए।